मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज 12 दिसंबर 2021 को मैं इस्लामाबाद में हूँ क्योंकि आज का दिन अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ असद एंड यू आर वाचिंग द टेक ब्लॉगर कार मेड पीके और मे बी बाइक मेड पीके। सो आज की वीडियो में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज ऑटो शो होने वाला है पार्क व्हील्स वालों का इस्लामाबाद में, और हम आए हुए हैं कल से इस्लामाबाद में। रात यहाँ पर स्टे किया है फैसल भाई के पास फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी। आपको बताता चलूँ कि आज की जो आप ये पूरा व्लॉग देखेंगे ये आईफोन 13 प्रो मैक्स पे रिकॉर्डेड है, जिससे आपको इसकी वीडियो क्वालिटी और वीडियो परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये फ़ोन हमें ऑफर कर रहा है। और मेरा जो रिव्यू है वो जल्द ही आने वाला है, लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये भी कंप्लीट इस पर ही शूट हुई हुई होगी। तो इसकी वीडियो ऑडियो क्वालिटी एंड जो इस पर हमें नए नए फीचर्स मिले हैं, जैसे कि सिनेमैटिक मोड और पोर्ट्रेट वगैरह, वो सब आप देखेंगे आज की इस वीडियो में। सो जल्दी से रेडी होते हैं, बाकी जो हमारी तैयारियाँ वो करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो एक दो वीडियोज़ मैंने करनी है वो करते हैं, एंड देन हम निकलेंगे ऑटो शो के लिए। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वीडियोस वगैरह एडिट क्या करता हूँ, लाइक मेरी डिवाइस और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। सो मेरे पास है ये मैकबुक प्रो 2017 मॉडल, और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो हम सब का फेवरेट प्रीमियर प्रो। जब हम सोए भी होते हैं, लेकिन आज सुबह ये सीन हुआ कि जैसे ही मैं मतलब सो रहा था तो मुझे आवाज़ आई और मैं उससे जाग गया, और आवाज़ इस गाड़ी की थी। पाँच मिनट की ड्राइव पे हैं हम, अभी 5 मिनट की दूरी पे हैं लेक व्यू पार्क से। सो सर, आप एक्साइटेड हैं ऑटो शो के लिए? आई एम रियली एक्साइटेड एंड लेट्स सी आज कैसे गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पता नहीं शूट में देखने को मिलेंगी कि नहीं, या देख के एंजॉय करेंगे। वी विल फाइंड आउट वंस वी आर देयर। सो जस्ट 5 मिनट्स अगो। सो आपसे क्वेश्चन कि आप किस तरह की गाड़ी ढूंढेंगे, आपके मतलब प्रेफरेंस क्या है कि किस तरह की गाड़ी आप चाहते हैं कि हो? या अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, जो गाड़ी देखने में हमें अच्छी लगती है और हम समझते हैं कि यार इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नाइस कार फॉर रिव्यू, लोगों को ऐसा पसंद नहीं आती, वो रिव्यू चलता नहीं है। आम कंज्यूमर लेवल की गाड़ियाँ हल्की फुल्की मॉडिफाई हों वो ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। सो ये जैसा कि देख सकते हैं आप कैमरे हुई हुई गाड़ियाँ, तो इस किस्म की कोई गाड़ियाँ देखेंगे वहाँ पर हमें मिलती हैं। तो मतलब जो 4x4 लास्ट टाइम हम गए थे शो में, उस तरह की गाड़ियाँ पसंद? नहीं, आई डोंट लाइक 4x4 कार्स, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई थी नेवर्थलेस, लेकिन हर बंदे की अपना ओपिनियन होता है, अपनी प्रेफरेंस होती है। सो आई लाइक सेडान या हैचबैक या कुछ इस तरह की गाड़ियाँ, मतलब मेरी वाली प्रेफरेंस। हाँ हाँ, और मैं जिस गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह से मैं उठाऊँ मेरे जहन में मार्क एक्स ही घूम रही है कि उसकी कोई मुझे मॉडिफाइड वर्जन अच्छा सा मिल जाए।
देखने को। सो लेट्स सी कि कैसी गाड़ियां हमें देखने को, उम्मीद है कि बहुत अच्छी मिलेंगी इंशाल्लाह। सो हम कह रहे थे कि 5 मिनट की ड्राइव है, सो अब आप टाइम देख सकते हैं 23 मिनट में चला गया सीधे, क्योंकि ये सारी जगह भरी हुई है गाड़ियों से, ये सारे रोड भी पार करके गए हैं, और उस तरफ भी अगर आप देखें सो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं हर तरफ। सो ये लेक व्यू के पास अब हम लोग उतर गए हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं, अपना सामान उठाते हैं, कैमराज वगैरह, एंड पैदल फिर निकलते हैं आगे हम पार्क के लिए। रश आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर बनी हुई है, और गाड़ियाँ हर एक किस्म की आज आपको देखने को मिलेंगी, और ट्रैफिक का हाल भी देख सकते हैं कि 5 मिनट की जो ड्राइव थी वो ऑटोमेटिक 25 मिनट पर चली गई। तो यहाँ पार्किंग में रुकते ही हमें एक दोस्त मेरा मिल गया, अली फ्रॉम मानसरा। अली कैसे हो? शुक्र है लगा, अपना कैसे? शुक्र है लगा। एक्साइटेड हो शो के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और फिर गाड़ी भी लाई गई है? गाड़ी नहीं, सिर्फ देखने के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है अपनी गाड़ी होगी। फाइनली हम मेन एरिया में पहुंच गए हैं, ये कुछ इस तरह की एंट्रेंस है, सिक्योरिटी वगैरह रास्ते भी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। पार्कवेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, काफ़ी अच्छा शो है यहाँ पर, वेन्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छा ने सेलेक्ट किया है, लेक व्यू पार्क, साथ ही MG का शोरूम है आई गेस। पार्क में पहुंच गए हैं, और ऑटो शो आई एम नॉट श्योर कि अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं, लेकिन रश काफ़ी है अब, बाकी आप रश देख सकते हैं, बाकी जो नाम लेकिन ऑटो शो पे रश आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर लगी हुई है, और एग्जॉस्ट नॉट ही आप सुनने हो गए।
ऑटो शो ऑलमोस्ट एंड पे, बाकी हर तरफ अपनी अपनी रौनक लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर पार्क व्हील्स वालों का स्टेज है और पार्क व्हील्स वाले कुछ गिव अवे वगैरह कर रहे हैं। पर्ची निकल आई है जी, बहुत बहुत मुबारक हो पार्क व्हील्स की तरफ से। अभी रोड प्रिंस की 70cc बाइक आज आप यहाँ से जीते हैं को देंगे। बार बार रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि एसओपी का ख्याल रखें जी। खूबसूरत शख्सियत जी का चेहरा इस खूबसूरत प्रोग्राम का जिनके सर जाता है। आज इस प्रोग्राम में आ चुके हैं जी सुनील मंच साहब को हम वेलकम करते हैं पार्क व्हील्स इस्लामाबाद ऑटो शो में। आप सबके दरमियान मौजूद है इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, इस खूबसूरत प्रोग्राम का चेहरा जिनके सर जाता है हम सबके दरमियान वो मौजूद है। सो रश आप देख सकते हैं, तकरीबन ऑटो शो खत्म हो गया, जो इनाम वगैरह थे वो भी हो गए। अब बताएं ऑटो शो कैसा लगा? फेट जबरदस्त भाई, आप तो बता, अच्छा था, बेहतरीन, मजा आ गया। सो आई होप के आपको भी मजा आया होगा और कोशिश की हमने शूट वगैरह अच्छा अच्छा करने की। अब जो आउटपुट निकलेगा वो देखेंगे बाद में क्या निकलता है। तो अब हम निकलेंगे मानसर के लिए। सो ये था ऑटो शो, कोशिश की कि अच्छे से कवर कर सकें, लेकिन ऑटो शो पे काफ़ी ज़्यादा रश थी और काफ़ी शोल मेला लगा हुआ था। हर तरफ अपनी ही एक अलग किस्म की जो है ना ऑटो शो चला रहे थे सब लोग। रश काफ़ी ज़्यादा थी और होनी भी थी क्योंकि 2 साल बाद ये हुआ था और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर थे, उम्मीद है आप में से भी अक्सर लोग वहाँ पर होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो ये ट्रिप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जो गेस्ट आए हुए थे ऑटो शो पे, सेल फोन से और भी काफ़ी सारे डिफरेंट यूट्यूबर्स, अच्छे अच्छे हमारे जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात हुई और ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। ओवरऑल आई होप के जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और हमने कोशिश की कि इसको अच्छे से कवर कर सकें। ऑटो शो के ख़त्म होते ही पाए जो रश थी वो इनसेन किस्म की रश थी, कोई शूट करने का मौका नहीं मिल पाया और शोर भी काफ़ी ज़्यादा थी। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मेरे अपने चैनल दी टेक व्लॉगर पर भी जरूर रहिए कि अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आता है, क्योंकि वीडियो आप डिफरेंट चैनल्स पर देख रहे होंगे, सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।